हेडफोन को अपनी एलईडी स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नहीं पता है इसे कैसे कनेक्ट करना है और इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ फॉलो करना है और किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने हेडफोन को अपने एलईडी स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर किन किन ऑप्शन का यूज करना है। तो आज मैं आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही समझने आसानी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये हेडफोन आपको कैसे अवेलेबल होगी, अगर आपके पास नहीं है आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे डिस्प्ले पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया है जिसको आप मेरे वीडियो पर जाके देख सकते हैं, जो आपको आई बटन में ऊपर के लिए मिल जाएगा और साथ ही इंड स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं इसकी क्या क्वालिटी है। आप इसको देखकर अच्छी तरह से और फिर आप चाहे इसको खरीद भी सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी एक हेडफोन की इस तरह के और साथ ही आपको यहाँ पर आपकी जो एलईडी स्मार्ट टीवी है उसमें आपको कनेक्टिविटी चाहिए होगी, वायरलेस होना चाहिए और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिसके जरिए ही हम यहाँ पर अपने हेडफोन को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे और उसको आपको किस तरह से कनेक्ट करना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और मेरा नाम है सुमित मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब का उसको दबा लीजिए, साथ ही बेल को दबाना ना भूलें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने हेडफोन को अपने एलईडी टीवी से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको हेडफोन की एक जरूरत होगी जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बता रखा है, तो जो आपको हेडफोन ऐसी ले लेनी है और वो आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वायरलेस कनेक्टिविटी एलईडी में होना चाहिए और आपका हेडफोन ब्लूटूथ या वायरलेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो आपकी एलईडी टीवी है आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने हेडफोन को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो भी एलईडी स्मार्ट टीवी है तो उसको आपको थोड़ा सा सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको साइड में ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आपके जो रिमोट है उसमें एक होम बटन दिया होगा तो उसके ऊपर में जैसे मैं यहाँ पर एक होम बटन दबा देता हूँ और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और ऊपर में आपको एक कुछ कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, सेटिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा और डिवाइस जो भी है आपकी उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप यहां से सेटिंग से भी जा सकते हैं लेकिन अगर आप यहां से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको यहां पर नीचे में बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे होंगे तो इनमें से आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है साइड में और यहां पर आपको जो आपका ब्लूटूथ का ऑप्शन है यहां पर एप्लीकेशन वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो ये सबसे शॉर्टकट है जिससे आप अपने होम बटन को दबाकर यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे आप इस पर यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा जहाँ पर आपकी डिवाइस दिखेगी, अगर आप यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्टली करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर आपको रिमोट में एक सेटिंग का बटन होगा उसको आपको पहले यहाँ पर दबाना है, तो जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो आपके यहाँ पर साइड में ऐसे कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन आप जब यहाँ पर वीडियो देखते होंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पर मैं कोई एक स्क्रीन का वीडियो यहाँ पर लगा ले, देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एबीके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो कोई चल रहा है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हेडफोन को कैसे कनेक्ट करना है तो जैसे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ तो आपको डायरेक्टली सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है, तो जैसे ही आप बटन को दबाएंगे इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ पर सेटिंग में जाकर भी जा सकते हैं, अगर आपको बटन है तो डायरेक्ट उसे दबाकर आप इस ऑप्शन पर आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने वीडियो का यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आप HDR में भी सेट कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर किस तरह से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रोटेशन वगैरह और यहाँ सिनेमा, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा तीसरा, तो यहाँ पर साउंड आउट या इंटरनल TV स्पीकर के ऑप्शन है, तो आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है तो ये आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल का ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट, और साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आप क्लिक करेंगे तो HDMI का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, साथ में आपको ब्लूटूथ डिवाइस का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिलेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है आपको अपनी जो डिवाइस है, तो यहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है डिवाइस सिलेक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखो सर्च करना शुरू कर देगा, तो मैंने जैसे आपको बताया आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं,
वहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का ऊपर से। के बाद यहाँ पर साइड पे ऑप्शन खुल जाएंगे और जो भी आपकी ब्लूटूथ डिवाइस है जिस कंपनी का आपका हेडफोन है तो आपको यहाँ पर उसका या तो नाम आएगा या तो आपको जो डिवाइस के पर कोड दिया होगा वो उस नाम से आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो कि नाम से है, तो इस पर आपको यहाँ पर जैसे मेरी जो डिवाइस है वो ऊपर वाली है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अपने हेडफोन को ऑन नहीं किया तो सबसे पहले ऑन कर लीजिए, तभी यहाँ पर वो शो होगा और उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिवाइस को जो है हेडफोन उसको ओपन कर रखा है और यहाँ पर जो डिवाइस का नाम आ रहा है तो इसको आपको क्लिक कर देना है। और जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट मार्क आ जाएगा और इस तरह से प्रोसेस होने लगेगा कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ऊपर यहाँ मैसेज भी आ जाएगा यहाँ कनेक्टेड का, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि ये वर्क कर रही नहीं कर रही तो आप उसको यहाँ पर कोई वीडियो प्ले करेंगे या तो तभी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद आप उससे कान पे लगा के देखिएगा और तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये वर्क कर रही नहीं है। तो आप कान पे लगाएंगे तो यहाँ पर जब कनेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको साउंड है जो उसका वॉल्यूम आपको कानों तक सुनाई देगा। मैं कान पे लगा के देख लेता हूँ आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, तो अभी मुझे जो है इस वीडियो की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो जो वीडियो चल रहा है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तो आप जब कनेक्ट कर लेंगे तो आपको आवाज़ आपको इस हेडफोन में आने लगेगी, आपको बहुत क्लियर साउंड और आपको सुनने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ पर बहुत क्लियर साउंड जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छी तरह से सुनने के लिए मिल जाएगा, आपको सारी आवाज़ें बहुत ही क्लियरली सुनाई देंगी। आप इस तरह से ही इसे अपने अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड ये फ्रेंड आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर आप हेडफोन को अपने LED TV से कनेक्ट किया और साथ ही आपने किस तरह से आप इसको कनेक्ट करने के बाद अपने किसी भी वीडियोज वगैरह को यहाँ पर या चाहे म्यूजिक को उसको नॉर्मली आप सुन पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से कनेक्ट करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप कमेंट करके वहाँ पर लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। और जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।